Hello students, today we will start inverse trigonometric function. This is our chapter 2nd and this is most important chapter. आपके पास 1 mark के question, 2 marks के और 4 marks के question expected हैं कि आपके पास इस chapter से आएंगे. Most important है और इसके formulas आपको आगे फिर differentiation और integration में भी use होने वाले हैं. तो इसको बड़े अच्छे से करना है आपने chapter को. Okay, now what is inverse? Inverse क्या है? यह टॉपिक हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में आता है. इसका थोड़ा सा हम अभी करेंगे, डेप्थ में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपके पास डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ होते हैं. इन्वर्स क्या है? इफ़ एफ एक्स अप्रोचेस टू वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ वाई इज़ वन वन एंड ओन टू, देन वी डिफाइन अ यूनिक फंक्शन जी वाई अप्रोचेस टू एक्स. और जी को हम एफ इन्वर्स भी कह सकते हैं कि एफ एक्स अप्रोच टू वाई है तो एफ इन्वर्स वाई से एक्स को अप्रोच करेगा इन सच अ वे दैट जी इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ एफ. यहाँ पे जो आपके पास स्मॉल एक्स है, ये जो आपके पास स्मॉल एक्स है ये इस एक्स को बिलोंग करेगा और वाई किसको बिलोंग करेगा? इसको. अब वन वन और ओन टू फंक्शन क्या होते हैं एक बार इसको भी देख लेते हैं. वन वन और ओन टू फंक्शन क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई फंक्शन एक्स अप्रोचेस टू वाई है देन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई. एक्स के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होगी तो फंक्शन वन वन रहता है. ऑन टू क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई की हर एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वन के प्री इमेज ए है, एक्स की इमेज यहाँ बनती है, यहाँ की प्री इमेज यहाँ बनेगी. ठीक है, ए की इमेज वन है, बी की टू है और थ्री की प्री इमेज कितनी बन रही है? टू. एटलीस्ट वन तो बननी चाहिए, टू बन जाए थ्री बन जाए हार्डली मैटर्स, आपके पास एटलीस्ट वन तो बननी ही चाहिए. तो ये आपके पास फंक्शन क्या हो जाता है? ओन टू. ठीक है, वन वन ओन टू. अब हमारे पास देखो क्या है, जैसे साइन एक्स की वैल्यू वन बाय टू है तो साइन एक्स कितना हो गया? साइन पाई बाय सिक्स. हमने प्लस वन में फार्मूला पढ़ा है जनरल सॉल्यूशन वाला, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन पाई बाय सिक्स. यानी कि अगर आपके पास साइन एक्स वन बाय टू है आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी. एक्स की कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं आएगी आपके पास, एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री इंटीजर है, नेगेटिव में भी पुट कर सकते हैं, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स. तो यहाँ से तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वन वन और ओन टू हुए ही नहीं. यस, हमने अब तक यही पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उनकी एक वन बाय टू ले लो, वन बाय रूट टू ले लो, उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. लेकिन अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. एक इधर देखो जरा, एक बार ये ग्राफ से समझते हैं. आपके पास ये ग्राफ बन रहा है, ये साइन एक्स का ग्राफ है. आपको अगर साइन की ज़ीरो वैल्यू देखनी है तो देखो यहाँ पे साइन ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, ये ज़ीरो 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 ज़ीरो. तो यहाँ से तो हम ये कहेंगे कि ये वन वन ओन टू है नहीं क्योंकि वहाँ पर तो क्या डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट इमेज है. यहाँ तो एक्स का एक आंसर है, उसके लिए डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी यहाँ से यहाँ तक. ये एक ऐसा हमने इसको देख लिया कि आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, यूनिक वैल्यू आ जाएगी. इस इंटरवल के अंदर आपके पास साइन एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, माइनस वन से वन, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इस इंटरवल के अंदर आपके पास साइन एक्स की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. तो हमारा जो इन्वर्स है वो इस वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक चार्ट बन जाता है. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह सकते हो आप इसको, रेंज कह सकते हो. आपने ये चार्ट बड़े ध्यान से देखना है. इसको लर्न करने का क्या वे है, ये आपको टिप्स भी याद होना चाहिए. इसको लर्न करने का वे मैं आपको बता देती हूँ. जो हमारे पास साइन इन्वर्स है और ये जो है हमारे पास टैन इन्वर्स और ये जो है हमारे पास कोसिकेंट इन्वर्स. कौन कौन? साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कोसिकेंट इन्वर्स. इन तीनों का सेम आंसर रहता है, सेम सेम सॉल्यूशन रहता है थ्रू आउट भी. अब साइन इन्वर्स की अगर आपको हम बोलें कि रेंज क्या है तो वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू रहेगी. टैन की बोलें तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू रहेगी. यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड रहेंगी. यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ये दोनों वैल्यूज़ नहीं लेनी है हमने क्योंकि टेन पाई बाय टू क्या हो जाता है आपके पास, नॉट डिफाइन हो जाता है.
ठीक है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल ले लिया, ये दोनों वैल्यूज़ नहीं लेनी है। अब कोसिकेंट के लिए भी क्या रहेगा आपके पास, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर हमने वो वैल्यू माइनस कर देनी है जहाँ पे आपका साइन ज़ीरो होता है। साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। अगर साइन ज़ीरो पुट करेंगे तो कोसिकेंट क्या होता है, वन बाय साइन, इट मीन्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमने वही साइन वाली सारी वैल्यूज़ लेनी है, बट उसमें से ज़ीरो को माइनस कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ रहेंगी। अब बाकी जो तीन बच गए हमारे पास, कौन कौन बच गया, कॉस इनवर्स और क्या है, कॉट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इनका सेम रहेगा। जैसे कॉस इनवर्स की क्या रहेगी रेंज, ज़ीरो से पाई, कॉट की क्या रहेगी, ज़ीरो टू पाई, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन है, और सेकेंड के लिए सेम ज़ीरो टू पाई, बट वो वैल्यू माइनस कर देंगे जहाँ पे हमारा कॉस क्या होता है, ज़ीरो। कॉस ज़ीरो कब होता है, नाइन्टी पे। तो हमने ज़ीरो से पाई की सारी वैल्यूज़ लेनी है, बट नाइन्टी नहीं लेना। ठीक है ना, आपको ये लर्न करने का एक वे रहेगा, आपको इसको याद रखना है कैसे करना है। डोमेन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की सेम है, टैन कोट की सेम है, सेकेंड और कॉसिकेंड की सेम है, ये भी आपने अपने माइंड में रखना, आगे क्वेश्चंस में याद आए काम आएगा आपको। आपने इस चार्ट को कम से कम 2 से 3 टाइम्स बनाकर देखना है, और आपको ये बिना देखे बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये रेंज है, इसको आपने कैसे यूज़ करना है, एक क्वेश्चंस देखते हैं इसके लिए क्या क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। देखो आपके पास है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन इनवर्स 1/2 है, आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालोगे आप, साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा लेट किया, साइन थीटा कितना आ गया यहाँ से, साइन थीटा इज 1/2, साइन थीटा 1/2 तो काफ़ी वैल्यूज़ मिलती है आपको, लेकिन उनमें से सिर्फ पाई बाई सिक्स ऐसा है जो इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, साइन 1/2 को अगर हम देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी चला जाएगा, वहाँ पे भी 1/2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स, 180 माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स कितना आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से क्या आ गया, 5π/6। आपके पास जो वैल्यू पाई बाई सिक्स है, जैसे ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको। अब एक और देखते हैं, कॉस इनवर्स माइनस √3/2, इसको हमने थीटा लेट किया, माइनस √3/2 किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस √3/2 कब होता है, पाई बाई सिक्स पे। अब माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस हमें पता है 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो वी कैन राइट इट एज कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स, दैट इज़ 5π/6, और 5π/6 हमारा जीरो से पाई को बिलोंग करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, 5π/6। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉसिकेंट इनवर्स -1 इज थीटा। कॉसिकेंट इनवर्स -1 को हमने थीटा लेट कर लिया, कॉसिकेंट थीटा कितना आ गया, -1, वी कैन राइट इट एज माइनस कॉसिकेंट पाई बाई टू। अब माइनस कॉसिकेंट पाई बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिकेंट -π/2, और कॉसिकेंट की रेंज क्या है आपके पास, -π/2 से पाई बाई टू, क्लोज इंटरवल -0, और ये जो -π/2 है क्लोज इंटरवल के कारण यहाँ पे क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है। अब और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट कॉस साइन इनवर्स 5/13। ये बुक में अलग मेथड से कर रखे हैं, हम इसको ट्रायंगल से ही करेंगे, आपने ट्रायंगल मेथड से ही करना है, इसको इजी रहेगा। साइन इनवर्स 5/13, हमने इस वैल्यू को थीटा लेट किया, तो यहाँ से 5/13 कितना आ गया आपके पास, साइन थीटा। इससे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, साइन क्या होता है आपके पास, पी बाई एच। आपने यहाँ पे 5/13 रखा, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो यहाँ कितना आ गया, 12। अब इस ट्रायंगल से जो भी वैल्यू निकालनी है हमें वो निकालेंगे, बाहर कॉस है तो हमें अंदर कॉस इनवर्स चाहिए ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए। आपने यहाँ से क्या किया, कॉस थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा क्या आ गया, 12/13। ठीक है ना, आपने जब इसको थीटा पुट किया तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, ये तो थीटा आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12/13। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 12/13। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, कॉस इनवर्स 8/17 को हमने क्या लेट कर लिया, थीटा। 8/17 कितना आ गया आपके पास, कॉस थीटा। ट्रायंगल बनाते हैं, 8 क्या आएगा बेस, 17 क्या आएगा यहाँ, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट 225 माइनस 64 कितना आएगा आपके, नहीं 289 माइनस 64 यहाँ आ जाएगा आपके पास 15।
अब बाहर टेन है, आपको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पी बाई एच 15/8। तो आपके पास ये क्या आ गया, टेन थीटा की जगह क्या आपके पास कॉस इनवर्स 8/17, दैट इक्वल है 15/8। क्लियर हुआ सबको कैसे निकालने ये क्वेश्चन। एक और करते हैं हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेन 1/2 इसको आप ले लो थीटा। हमने यहाँ पे साइन इनवर्स 3/4 को क्या ले लिया, थीटा। 3/4 कितना आ गया आपके पास, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, पी बाई एच। तो ये कितना हो गया, 16 - 9 = 7, 7 का क्या आ गया रूट। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, टेन थीटा 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos θ / 1 + cos θ। ये प्लस वन में हमने फॉर्मूलाज किए हुए हैं, इसको अलग से सॉल्व करके दिखाएं आपको कैसे है ये। √1 - cos θ / 1 + cos θ क्या रहेगा आपके पास, ये √2 sin²θ/2, और ये क्या रहेगा, 2 cos²θ/2। कैंसिल हो गया, ये इससे रूट कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या आ गया, 10θ/2। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास, कॉस थीटा की वैल्यू √7/4। आपने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करना और आपके पास 10θ/2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करने हैं क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब ये अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। टेन इनवर्स 1 को हमने लेट किया थीटा, 1 किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के। तो टेन थीटा कितना आ गया आपके पास, π/4। टेन थीटा कितना आ गया, 10π/4। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, π/4। यानी कि टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अब यहाँ से इसको फाइंड करते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 को हम क्या लेट करें, फाई। -1/2 इज कॉस फाई, माइनस कॉस π/1/2 कब होता है, 3 पे, कॉस फाई। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस π - π/3, दैट कॉस फाई, कॉस 2π/3 इक्वल कॉस फाई। हियर वी गेट फाई इक्वल 2π/3। आपने अभी यहाँ पे फाई किसकी वैल्यू थी, कॉस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है 2π/3, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है सबको। सेम आपके पास यहाँ पे है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू को लेट करते हैं हम। साइन इनवर्स -1/2 क्या आएगा आपके पास, थीटा। -1/2 किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा, माइनस साइन π/6 इज साइन थीटा, और माइनस साइन, इसको वी कैन राइट साइन ऑफ माइनस थीटा। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। आपने ये -π/6 को यहाँ पुट करने है, साइन π/3 -π/6, साइन π/3 -π/6, 60 + 30 sin 90, sin 90 = 1। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। साइन इनवर्स 1/4, इसको आप ये लिख सकते हो cos a + b। ठीक है, हम यहाँ से एक काम करते हैं, साइन इनवर्स 1/4 को a लेट कर लेते हैं। 1/4 किसके इक्वल आ गया, साइन ए के। यहाँ से आप cos a निकाल सकते हो ट्रायंगल बना के। साइन क्या होगा, 1/4, 16 - 1 √15। तो cos a कितना आ गया, √15/4। यहाँ से आपके पास सेकेंड इनवर्स 4/3, इसको आप ये लिख सकते हो cos इनवर्स 3/4। अगेन ट्रायंगल बना ले, 3, 4, 16 - 9 √7। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इसको अगर हमने बी लेट कर लिया तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। और यहाँ से साइन बी कितना आ गया, √7/4। आपके पास साइन ए, कॉस ए, साइन बी, कॉस बी, ये आ चुके हैं। आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी निकालना है, इसको वी कैन राइट कॉस ए कॉस बी, क्या फॉर्मूला है, माइनस साइन ए साइन बी। ये चारों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पुट करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको असाइनमेंट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आपने ये चैप्टर बहुत ध्यान से अच्छे से करना है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फार्मूलाज ध्यान से करने हैं अब भी वीडियो में, साथ ही मैं आपको फार्मूलाज की भी वीडियो भेज रही हूँ, ठीक है, इसके साथ ही। ओके।